किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आई इंडिया के खास कार्यक्रम खेती किसानी में। साथियों, आशा है आप सभी लोग सपरिवार सकुशल रहकर खेती किसानी कर रहे होंगे। मित्रों, मौजूदा समय जैविक खेती की विशेष चर्चा हो रही है। सरकारें भी जैविक खेती को लेकर के किसानों को प्रोत्साहित कर रही हैं। इसके क्या कारण है कि जैविक खेती पर इतना जोर दिया जा रहा है? किसानों के मन में शंकाएं हैं कि जैविक खेती से उपज घटेगी और लागत बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। जैविक खेती यदि अपनाना चाह रहे हैं किसान, तो उसके लिए उन्हें कहाँ से पंजीकरण कराना होगा, क्या विधियाँ अपनानी होंगी? ऐसी तमाम चर्चाओं को लेकर के हमारे साथ खास मेहमान के रूप में मौजूद हैं कृषि विज्ञान केंद्र कटिया के वैज्ञानिक डॉक्टर दया शंकर श्रीवास्तव जी। आइए हम उनसे बातचीत करके आपकी जिज्ञासाओं के समाधान का प्रयास करते हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत। डॉक्टर साहब, हम चर्चा करना चाह रहे हैं कि किसानों के मन में शंका है कि जैविक खेती करने से उनकी उपज घटेगी, क्या ऐसा भी है? और अगर किसान जैविक खेती के प्रति इच्छुक हैं तो उन्हें इसके लिए क्या क्या विधियां अपनानी होंगी, कहां से पंजीकरण कराना होगा, इस पर विस्तार से किसान भाइयों को जानकारी दें। जी बिल्कुल। किसान साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं, जैविक कृषि आज के समय में एक बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। हम सब जानते हैं कि आज पर्यावरण में जो प्रदूषण जो है बढ़ रहा है और जो तमाम बीमारियां आ रही हैं रासायनिक कीटनाशकों और रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से, जो आज हमारी खेती भी जो है काफ़ी हद तक उत्पादन गिरने लगा है, साथ ही साथ सेहत पे भी जो है बहुत बुरा असर देखने को मिला है। ऐसे में जैविक कृषि जो है, कृषि पर्यावरण के लिए भी और साथ ही साथ मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत हितकर ये साबित होगी। ध्यान देने की बात यह है कि जो कृषि हम कर रहे हैं वो पहले से हम पूर्ण रूप से जैविक ही करते आए थे, लेकिन जो हम 60 के दशक की बात करें, जब हमें देश में ज़्यादा अन्न उत्पादन की आवश्यकता पड़ी, तो ऐसे में हमें रासायनिक कीटनाशकों और रासायनिक उर्वरकों का सहारा लेना पड़ा। लेकिन आज हम खाद्यान्न में आत्मनिर्भर भी हैं और हम निर्यात भी कर रहे हैं। आज हमें गुणवत्ता युक्त जो है उत्पाद की आवश्यकता है। जैसे कि हम सब जानते हैं, न्यूट्रिशन सेंसिटिव एग्रीकल्चर की बात हो रही है, पोषण विशेष जो है कृषि जो है हो, और लोगों को तमाम तरीके की जो बीमारियां हैं उसको निजात देने के लिए जो अन्न हमारे हों वो गुणवत्ता परक हो, ऐसे में जैविक कृषि बहुत ही महत्वपूर्ण एक अभिन्न अंग साबित हो रही है। और साथ ही साथ लाभ की दृष्टिकोण से अगर किसान भाई देखें तो जैविक कृषि में बहुत अच्छा मुनाफा किसान भाई कमा सकते हैं। बात आती है कि इसको करने की प्रक्रिया क्या है, और जो प्रश्न आपके दिमाग में आता है कि कहीं उत्पादन तो नहीं कम हो जाएगा, तो मैं किसान भाई आपको बता दूं कि जैविक कृषि, जैसा कि आप जानते हैं, ये प्रकृति से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। यानी इसमें प्रकृति के चीज़ों को समझना है कि जो भी प्रकृति में हमारे पास उपलब्ध है, चाहे देसी खाद की बात करें हम या देसी कीटनाशकों की बात करें, इनको समन्वय करके ही कृषि करनी है। यानी आप प्रकृति ने सारे वो संसाधन दे रखे हैं जो हमें कृषि में चाहिए, हमें कृषि में अलग से कुछ डालने की आवश्यकता नहीं है। जरूरत है हमें यह बात समझने की और सही तरीके से प्रबंधन करने की। आज जो बात आ रही है, डिपेंडेंसी होती जा रही है, किसान परेशान इसलिए हो रहा है कि अपनी खाद अपने बीज के लिए वो बाजार पर निर्भर हो रहा है, जिससे कि उसकी लागत बढ़ रही है। आज पुनः हमको कृषि में फिर से जो है आत्मनिर्भर, अगर हम बात करें आत्मनिर्भरता की लाने की बात करें, तो किसान को अपना बीज, अपनी खाद, अपनी दवाई खुद बनाना पड़ेगा, तभी किसान की लागत भी कम होगी और साथ ही साथ गुणवत्ता युक्त उत्पाद हम दे पाएंगे। दूसरी मुख्य बात यह है कि जैविक कृषि का जो उत्पाद है वो अन्य उत्पाद से आपका अच्छा रेट आपको बाजार में मिलता है, लेकिन शर्त यह है कि यदि आप उसको प्रमाणीकरण कराते हैं, अपनी भूमि का जैविक पंजीकरण कराएंगे, तभी आप जो है अच्छा मूल्य ले पाएंगे। क्योंकि जब किसान कोई भी चीज़ या कहीं बिक्री में जाता है, तो जाहिर सी बात है कि प्रमाण पत्र एक जो है, एक सर्टिफिकेशन जो है, उसके लिए एक मददगार साबित होता है। कुछ किसान भाई ऐसे भी होते हैं जो जैविक कृषि तो कर रहे हैं लेकिन पंजीकरण नहीं कराते, इसीलिए उनको उनका फसल का वाजिब मूल्य नहीं मिल पाता, क्योंकि वो प्रमाण पत्र अपना नहीं कह पाते कि हम ये क्या जैविक है या नहीं है, क्योंकि जो ग्राहक है वो कैसे विश्वास करे। इसलिए प्रमाण पत्र जो है जरूरी है। इसके लिए उत्तर प्रदेश जैविक प्रमाणीकरण संस्था है, उससे किसान भाइयों को जुड़ना होगा और तभी इस प्रक्रिया में आगे बढ़ना होगा। बात आती है कि जैविक कृषि करनी कैसे है, तो आपको बता दें कि कृषि एक ऐसी चीज़ है जिसमें कोई बाजार से लाने की आवश्यकता नहीं है। यानी बीज आप स्वयं उत्पादन करें,
आज सबसे बड़ी जो बीज की चुनौती है वो यही है कि आज किसान बीज में भी बाजार पर निर्भर कर रहा है, जबकि बीज कृषि का मुख्य अंग है। बिना बीज के कृषि नहीं संभव है, इसलिए किसानों को बीज में आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, बीज उत्पादन करना पड़ेगा। आज जो किसान बीज खरीद रहा है उस किसान को अब बीज बनाकर बेचना पड़ेगा, यानी बीज में आत्मनिर्भरता के साथ साथ उसके बीज विक्रय से भी उसको लाभ हो सकता है। और साथ ही साथ जो खाद की बात आती है, जो दूसरा कंपोनेंट है, रासायनिक उर्वरकों का जो खपत हो रही है, आप देख रहे होंगे कि सरकार इस पे धीरे धीरे सब्सिडी को कम कर रही है, क्योंकि सरकार भी ये चाहती है कि हम कृषि को फिर से आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपनी गायों को, यानी पशुपालन और कृषि का जो रिश्ता है इसको हमको बना के चलना पड़ेगा। अगर कृषि पशुपालन का रिश्ता टूट गया तो हम कृषि की बात ही नहीं कर पाएंगे, यानी कृषि में टिकाऊपन की बात और कृषि में संपन्नता की बात बिल्कुल नहीं कर सकते। आज हमें फिर से पुनः पशुपालन को एक तरह से जुड़ना होगा, जो कि आज टूट गया है। तो हमको जो कृषि का जो है, जो खाद की बात हो रही है, वो हमें पशुपालन से ही आपूर्ति हो सकती है, यानी पशु से हमें गोबर की खाद, केचुआ की खाद, मुर्गी की खाद, बकरी की खाद, एजोला की खाद, और हम साथ ही साथ जैव उर्वरकों का प्रयोग यदि करें तो हमें रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ अगर हम कीटनाशकों की बात करें तो कीटनाशकों में तमाम तरह के ऐसे जैविक कीटनाशक हैं जो घर पे किसान अपने संवर्धन कर सकता है, जैसे कि ट्राइकोडर्मा, बीवेरिया, पेसिलोमाइसिस, मेटाराइजियम, एनपीवी, ये आप घर पे ही मल्टीप्लाई किसान भाई कर सकता है। जरूरत है इसको थोड़ा समझने की और अपनाने की, तो इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र पूरा प्रशिक्षण आपको देता है। जब भी कभी किसान भाइयों को इसको मल्टीप्लिकेशन की आवश्यकता या जानने की हो तो आप कृषि विज्ञान केंद्र जाकर के प्रशिक्षण इसका ले सकते हैं। और साथ ही साथ घर पे अपने कैसे कीटनाशक बनाए, जो वनस्पतियां हैं, प्रकृति ने बहुत सारी ऐसी वनस्पतियां दे रखी हैं कि अगर इन वनस्पतियों को सही से हम समझ लें और इसका समावेश करें तो अपने घर पे ही कीटनाशक तैयार किया जा सकता है, और जैविक कीटनाशक जो कि इसका जब खेतों में हम प्रयोग करेंगे तो जो आप दवाइयां, महंगी दवाइयां रासायनिक बाजार से खरीद रहे हैं इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ जो कुछ एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन की विधियां हैं, जैसे लाइट ट्रैप है, येलो स्टिकी ट्रैप है, फेरोमोन ट्रैप है, इनका भी समावेश आपको करना है, और ये बहुत आसान विधियां हैं। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि विधियां उपलब्ध हैं, सारे संसाधन उपलब्ध हैं, जरूरत है किसान को केवल पहल करने की, और ये सारा कुछ किसान कर सकता है यदि आप अपनी बीज, अपना खाद, अपनी दवाई खुद तैयार करें तो एक अच्छा जो है आपको लागत में कृषि में, पहली बात तो 50% आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी जो कि आपके प्रॉफिट में कन्वर्ट होगी। साथ ही साथ जो उत्पाद होगा वो गुणवत्ता उत्पाद होने के कारण आपको बाजार मूल्य 1.5 से 2 गुना मिल सकता है। अब बात आती है कि अगर कोई किसान करना चाहे तो प्रथम चरण क्या है, तो जैविक कृषि यदि आप करना चाह रहे हैं या इच्छुक हैं तो मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश जैविक प्रमाणीकरण संस्था, आपको इसके लिए आवेदन करना होगा, जिसमें कि 1 हेक्टेयर के लिए लगभग 2700 रुपये आपको फीस देनी है। यदि आप इसका हेक्टेयर का दायरा 2 हेक्टेयर के आसपास है तो 4500 रुपये के आसपास फीस है। एक फीस एक बार जमा करने से उनके ऑफिसर्स वो आकर के आपके खेत पे पूरा मैपिंग करेंगे और साथ ही साथ परीक्षण करते रहेंगे, आपको तकनीक गाइडेंस भी देते रहेंगे, और लास्ट में एक प्रमाण पत्र आपको स्टार्ट में 1 महीने के बाद ही मिल जाएगा, और दूसरा जब पूरी जमीन रसायन मुक्त हो जाएगी तो इंडिया ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेट आपको दे दिया जाएगा। यानी इंडिया ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट देने के बाद आप अपने उत्पाद को किसी भी अच्छे आउटलेट में खड़ा करके और अपने मन मुताबिक दाम आप ले सकते हैं, यानी आप अपने उत्पाद की गुणवत्ता अगर आपकी अच्छी है, सर्टिफिकेट आपके पास है, तो जो आप चाहें वो आप बाजार आपको मूल्य उसका मिलेगा। साथ ही साथ उसका एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, यानी एक्सपोर्ट की जो संभावना है वो भी किसान के लिए खुल जाएंगी, तो ऐसे में उसे विदेशी मुद्रा का लाभ भी मिल सकता है, यानी अधिक लाभ जो है कमाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के ये कहें कि जैविक कृषि यदि आप करना चाह रहे हैं या आगे की आप सोच रहे हैं तो इसमें आगे बढ़ें, किसान को इसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं, और आज लोग जागरूक हो गए हैं क्योंकि सबको स्वस्थ अन्न चाहिए, सबको स्वस्थ भोजन चाहिए, ऐसी दिशा में एक समय है जिसमें कि किसान अच्छा मुनाफा कमा सकता है यदि आप थोड़ी सी पहल करें। तो कुल मिलाकर के जैविक कृषि किसान भाई यदि आप करना चाहते हैं तो आप कृषि विज्ञान केंद्र कटिया सीतापुर आ सकते हैं, आपको जो भी प्रशिक्षण है जानकारी है वहाँ निःशुल्क आपको जानकारी दी जा रही है। तो ये इस पे आगे बढ़ें, और किसी भी तरीके की कोई शंका हो तो आप टेलीफोन नंबर पे भी बात कर सकते हैं या कृषि विज्ञान केंद्र भ्रमण करके अपनी जानकारी साथ पूरी कर सकते हैं।
तो किसान साथियों, जैविक खेती के बारे में आपने विस्तार से जानकारी ली, यानी जैविक खेती का मतलब है कि पुरानी पद्धति की तरफ फिर से वापस लौटना। उम्मीद है कि आपके मन में जो शंकाएं रही होंगी कि जैविक खेती से उपज घटेगी या किसी तरह का नुकसान होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। इस पर जो भी शंका थी उसका समाधान कर दिया है कार्यक्रम के खास मेहमान डॉक्टर दयाशंकर श्रीवास्तव जी ने। साथियों, उम्मीद है कि आप सभी लोग जैविक खेती की तरफ अग्रसर होंगे और अच्छा उत्पादन करके अपनी फिर से पुरानी पद्धति की तरफ लौटेंगे और अनाज जो उगाएंगे उसकी बाजार में मूल्य अच्छा मिलेगा और अच्छी बिक्री हासिल करके अच्छा उत्पादन भी प्राप्त करेंगे। साथियों, चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले सप्ताह आज ही के दिन इसी समय। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।